हेलो गाइस, दिस इज स्वाति फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज। तो अभी मैं आपके पास हूँ यहाँ पर एक और टॉपिक पर आपको बताने के लिए, दैट इज हम अपने डेस्कटॉप पर आइकन्स कैसे शो करवा सकते हैं, स्पेसिफिकली माई कंप्यूटर आइकन कैसे शो करवा सकते हैं। मोस्टली ये सभी विंडोज के लिए सेम रहता है, लाइक विंडोज 7, 8 and 10 के लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, जो कि लाइक आप इजीली अगर आपके पास कोई अलग विंडो है तो आप उसमें इजीली पहचान सकते हो, बट बेसिक जो है वो सभी स्टेप्स सभी विंडोज वर्जन के लिए सेम है। सो आइए देखते हैं कि कैसे हम जो है अपने डेस्कटॉप पर आइकन्स शो करवा सकते हैं एंड मोर स्पेसिफिकली माई कंप्यूटर आइकन कैसे शो करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ कि आप माइक जो आइकन्स हैं वो जो है हाइड कैसे कर सकते हैं। लाइक आप क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको व्यू दिखेगा, व्यू में आप शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप पर आपको आइकन्स दिख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक कर देंगे तो जो आइकन्स हैं वो सारे हाइड हो जाएंगे। तो लेट्स सी, या तो अब आप देख सकते हो कि मेरे डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन आपको शो नहीं हो रहा है, तो आइकन्स हमने सारे हाइड कर लिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका माई कंप्यूटर शो करवाने के लिए, कि आप शो डेस्कटॉप आइकन्स कर दीजिए, प्रोवाइडेड आपका माई कंप्यूटर आइकन जो है वो इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे वापस शो डेस्कटॉप आइकन्स इनेबल करेंगे। यस, तो ये अब आप आइकन्स देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके अलावा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है मेरा स्लॉट खाली है, क्योंकि यहाँ पे जो माय कंप्यूटर आइकन था वो मैंने डिसेबल किया हुआ है। तो लेट्स सी नाउ कि माय कंप्यूटर आइकन हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप अगेन डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको जो ये मेन्यू दिख रहा है, इसमें सबसे नीचे आप जाएंगे पर्सनलाइज पर। पर्सनलाइज में आपको ये लेफ्ट पैनल पर दिखेगा चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। तो यहाँ पर आप देखिए आपको डिफरेंट आइकन्स दिख रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, यूजर्स फाइल है, कंट्रोल पैनल एंड नेटवर्क। इसमें आप जो भी आइकन चाहते हो अपने स्क्रीन पर देखना वो आप यहाँ से देख सकते हो या इनेबल कर सकते हो। सपोज मुझे माई कंप्यूटर इनेबल करना है एंड रिसाइकल बिन हटाना है, तो हम यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे और कंप्यूटर वाला जो चेकबॉक्स है उसको चेक करेंगे। ये करने के बाद आप क्लिक करेंगे अप्लाई पर, ओके, डेस्कटॉप पर जाएंगे वापस। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे माय कंप्यूटर या कंप्यूटर जो आइकन है वो आपको दिख रहा है, लेकिन रिसाइकल बिन आइकन जो है वो डिसेबल कर दिया गया है। सो आई एम अगेन इनेबलिंग दैट। Checking the recycle bin checkbox, apply, okay. तो recycle bin का जो icon है वो फिर से वापस आ गया है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, start पर जाएंगे, computer पर click करके आप right click करोगे, right click करके भी आपको यहाँ पे show on desktop का एक जो है option मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इसको disable कर देंगे तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो जो यहाँ पर मेरा computer icon था वो अब hide हो गया है। Again हम इसको यहीं से इनेबल करेंगे, तो अब आप देख सकते हो यहाँ से फिर से वो जो आइकन है वो आपको दिख रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेइंग द माय कंप्यूटर आइकन ऑन डेस्कटॉप। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, देखते रहिए हमारा चैनल ईएमई टेक्नोलॉजीज, ताकि आपको और नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। थैंक यू।